और भाई देखो सिचुएशन ऐसी है, अभी अंकल जी यहाँ पे हैं, देखो किस हिसाब से बोल रहा हूँ अंकल जी। और ये अगस्त भाई प्रो राइडर भाई जी, अंकल जी कैसे कर रहे होंगे, मैं हैंडल में तो खुद समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। एक चीज़ हो रहा है, भाई की गाड़ी पर दो कैमरा थे, और एक वो निकाला गया है। ये 300 रुपये तो नहीं था पहले, तो इसको आप मौके बिल्कुल ठीक। अगर 300 का एक्सीडेंट होता ना तो इंजन कहीं पड़ा होता, चेसिस कहीं और होता, हैंडल कहीं और होता, टायर कहीं खेत में पड़े होते, बिल्कुल कहीं। अब जितने वो उतने आते हैं, जितने यूट्यूब चैनल सबके अपने अपने कंटेंट है, बना लो जब अब हर कोई बना सकता है। सही बात, कोई लिख देगा 300 के पार, कोई लिख देगा 290, किसको सचवाएंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। ये निकल बात है कि इसको गाड़ी की अगर पूरी वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरी गाड़ी की वीडियो दे सकता हूँ। गाड़ी 100, 120, 130 भी हो सकती है, मैं कह 150। ये लग रहा है किसी ने हिट एंड रन का केस, हिट एंड रन ही है, हिट एंड रन ही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और मुझे छोड़ना नहीं है चाहे कोई भी हो। हम आपके साथ हैं, ये बाइकर कम्युनिटी जो है ना, मैं तब तक शांत हूं जब तक बच्चा मेरे साथ है। ऐसा चाहता कि मेरे से कुछ ना हो, अब बच्चे को प्रॉब्लम, अब बच्चे ने तो प्रॉब्लम किसको नहीं है। सही बात है, प्रॉब्लम दूसरों को आनी है ना, अब प्रॉब्लम इसलिए आनी है ये दो चार जो। तो गाइस विषयटा भावते ही खराब लगछे যে প্রো রাইডার 1000 মানে আগস্ত ভাই আর আমাদের মধ্যে নেই। রিসেন্টলি রোড অ্যাক্সিডেন্টে ভাই মারা গেছে, তো একসঙ্গে রাইডে ছিল যমুনা এক্সপ্রেস হাইওয়েতে, অনেকেই ছিল, জাহির ভাই, আমির মাজিদ, আরও দু একজন ছিল। তো মানে আমি ভাবতে পারছি না যে এরকম হয়ে গেছে, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল যে তাদের সঙ্গে দেখা করব, মানে বিশেষ করে আমির মাজিদ আর আগস্ত ভাইয়ের সঙ্গে খুব মানে খুব পার্সোনালি খুব ইচ্ছা ছিল দেখা করার, তো আর ইচ্ছাটা পূর্ণ হলো না। তো গাইজ ভাই আর আমাদের মধ্যে নেই, তো সবাই উল্টোপাল্টা ভিডিও বানাচ্ছে, এসব বানিও না, কারণ তাদের মানে তার ফ্যামিলিতে এসব ভিডিও দেখছে, তাদের নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে। তো উল্টোপাল্টা ভিডিও বানিও না, অনেকে বলছে 300 তুলতে গেছিলো, 300 টানছিল, তো এরকম কিছুই না। তো গাইজ রিসেন্টলি আমির মাজিদ ভাই আর জাহির ভাই একটা ভিডিও আপলোড করেছে, তো তাদের চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিও। তো এরকম কিছুই না, তারা ছিল সঙ্গে, আর তারা যখনই চলে গেছে পেছন দিক থেকে কিছু একটা হয়েছিল কি না, কেমনভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কেউ জানে না। আরও ভাইয়ের সঙ্গে ছিল Insta360 যে ক্যামেরা, তারপর হেলমেটে মাউন্ট ছিল GoPro 9, মানে মাউন্ট করা ছিল ক্যামেরা, আর একটা ছিল Hero 8 GoPro-র। তো শুধুই Hero 8টাই আছে, আর দুটো ক্যামেরা মানে নেই, একেবারেই নেই, কোনো আশেপাশেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তো এটা অন্য কেস মনে হচ্ছে, জানি না কি হবে। তো গাইজ উল্টোপাল্টা ভিডিও কেউ ছড়িও না, তার ফ্যামিলি আছে সব দেখছে, আর আমি বাংলাতে ভিডিও বানাচ্ছি কারণ আমাদের বাংলা কমিউনিটিতে অনেকে এইসব ভিডিও ছড়াচ্ছে, আর হিন্দিতে তো বাদ দাও, তো এসব করো না। আর ভাইয়ের কিছু কিছু ক্লিপ, বাইকের ক্লিপ আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি, তোমরা দেখো। ইয়ার প্রো রাইডার, ये इसका नंबर है UK 07D। ये बाइक का यमुना एक्सप्रेस पे एक्सीडेंट हो गया, और उसकी ये यूट्यूब चैनल भी इसका प्रो राइडर 1000। बाइक का मतलब डेथ ही हो गई, जो भी पहचानता हो एक्सप्रेस पे वे यमुना एक्सप्रेस पे, ये देखिए वहाँ भाई की लाश पड़ी है यमुना एक्सप्रेस पे, बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट क्या, डेड ही हो गया बेचारा, वो देखो ये बेचारे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अभी सुबह का टाइम है, कोई 10 बज गए, और उसकी बाइक के तो ना इंजर पिंजर खिलर गए, वो देखो ना पूरा उधर, ये देखो ना पार्ट्स बाइक के, बाइक पता नहीं पाजी कहाँ गई उसकी ना बाइक तो लगता हवा में चलेगी, वो देखो भाई बेचारा। वैसे उन्हें गियर्स भी पहन रखे थे, जैकेट वगैरह ना, वो डेड हो गया बेचारा। और गाइस इंस्पिरेशन चिलो, আমি যাদের দেখে ভিডিও শুরু করেছি তারা এইভাবে এক এক করে চলে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে আমাদের বাংলা কমিউনিটির অমিত ভাই, আজকে আগস্তা ভাই, তো ভাল লাগছে না, ভাবতেই খারাপ লাগছে। আর গাইজ ভিডিও উল্টোপাল্টা কেউ শেয়ার করো না। তো গাইজ সেফ থাকো, তোমরা সেফ বাইক ড্রাইভ করো রোডে, আর সেফটিটা মেনটেন করে চলো।